हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था और फ्रिक्शन हमने देखा था कि फ्रिक्शन किस तरीके से हमको फ्री बॉडी डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रिक्शन को, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन दो सर्फिसेस के बीच में अगर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है तो हर सर्फिस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमें किस तरह देनी है। अब फ्रिक्शन को आज थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये तो करेक्ट है, लेकिन अब आप ये बताइए कि एक हमने जनरल एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी है, मैं उस पर अगर फोर्स लगाऊंगा तो इनिशियली मैं स्टार्ट करूंगा वीक, मतलब धीरे धीरे अपने फोर्स की इंटेंसिटी को, फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैं इंक्रीज करूंगा। पहले धीमे लगाऊंगा, पहले धीमा फोर्स होगा, फिर क्या होगा, फोर्स को और इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो एक लेवल के बाद ये बॉडी, ठीक है, इनिशियली जब मैं कम फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इनिशियली जब मैं कम फोर्स लगा रहा हूं तो देखिए फोर्स मैं लगा रहा हूं बट ये बॉडी अभी भी नहीं बढ़ रही, फोर्स इंक्रीज करता जा रहा हूं बॉडी अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन एक लेवल के बाद क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि ये जो आप धीरे धीरे जो फोर्स इंक्रीज कर रहे थे ये फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सपोज ये कोई सरफेस है, देखिए सरफेस अगर आपको रफ दी, अगर स्मूथ दी गई है, अगर स्मूथ दी गई तो इसका मतलब होता है कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर सरफेस के बारे में आपके लिखा है कि स्मूथ सरफेस है तो मतलब हमें फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, और अगर सरफेस रफ है तो मतलब इसका मतलब है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है। तो आपका घर्षण बल लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल। तो सपोज अब अगर आपका कोई एक ब्लॉक है यहां पर, ठीक है, यहां कोई ब्लॉक रखा है, आप अपना फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, सपोज आप फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल लेफ्ट, ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस किया है ये फोर्स आप क्या कर रहे हैं, ये फोर्स धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी ये ब्लॉक मूव करना नहीं स्टार्ट किया है, मतलब कुछ ना कुछ इस फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर ये सरफेस रफ ना होती, स्मूथ होती तो आप थोड़ा भी फोर्स लगाते ये ब्लॉक अपने आप मूव करने लगता है, लेकिन ये सरफेस रफ है तो कुछ ना कुछ है जो इस फोर्स को अभी भी अपोज कर रहा है। जब आप इसको स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं फोर्स को, ठीक है, हालांकि ब्लॉक ने अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है, स्टिल यहां पर क्या हो रहा है, इस फोर्स को कोई ना कोई है जो अपोज कर रहा है, वो क्या होगा, वो कुछ नहीं, वो यहां पर लगने वाला फ्रिक्शन ही होगा। अब देखिए ये फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो कि जैसे जैसे आप ये फोर्स इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे ये खुद भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। मैं बोल रहा हूं कि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब भी बॉडी को फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है नीचे वाली सरफेस के द्वारा, ठीक है। तो नीचे वाली सरफेस अभी जो फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और वो कैसा है, वो जब आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, जो आप कैपिटल एफ फोर्स ये वाला है जो आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे जैसे आप ये फोर्स इंक्रीज कर रहे हो ये फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है, ये सेल्फ एडजस्टिंग टाइप का है, ठीक है, जैसे टेंशन थी स्प्रिंग में टेंशन, तो ये फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरी चीज, अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब भी फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। फिर एक मूवमेंट आएगा, एक टाइम आएगा जब आप फील करेंगे कि इस समय मैंने मैक्सिमम फोर्स लगाया था, सपोज कोई भारी बॉडी की सोचिए, ठीक है, सपोज आपके घर में अगर कोई भारी सा बक्सा है, ठीक है, अगर आप उसको पुश करेंगे तो इनिशियली क्या है, धीरे 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 धीरे
से आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मोशन, पर वहां पर क्या है, अभी देखिए मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या है कि बॉक्स के आगे की तरफ मूव करने के लिए एक एक क्या होता है, एक टेंडेंसी आ गई है, टेंडेंसी टू मोशन आ गई है, क्योंकि आपने फोर्स लगाया है। मतलब वो ब्लॉक में अभी मोशन आया नहीं है, मूव करना स्टार्ट नहीं किया, रेस्ट पे ही है बॉडी, लेकिन पहले फ्री थी, अब फ्री नहीं है, अब क्या है, अब उसको टेंडेंसी टू, उसके अंदर टेंडेंसी आ गई है मोशन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समुपस्थित गति, ठीक है, समुपस्थित गति, मतलब कि समुपस्थित गति मतलब ऐसा मोशन होता है कि अगर यहां पर यहां ये जो सरफेस है नीचे वाली, अगर ये रफ ना होती, स्मूथ होती, तो आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते मूव कर जाती, तो ये वो वाली मोशन है, ये वो वाला मोशन है, जब इमेजिन करिए कि यहां पर स्मूथ सरफेस है, तो इसको मैं अगर लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर टेंडेंसी टू मूव भी आ गया है, टेंडेंसी टू मूव, ठीक है ना, और या फिर आप लिख सकते हैं अगर वहां पर टेंडेंसी आ गई है ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसे भी अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स उसे भी अपोज करता है, जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो ही रहा हो दो बॉडी के बीच में तभी फ्रिक्शन आएगा, अगर रिलेटिव मोशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है फिर भी फ्रिक्शन आ गया है, ये फ्रिक्शन क्या होता है, ये फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो टेंडेंसी को भी अपोज करता है, मतलब रिलेटिव मोशन होना हो नहीं रहा है बट टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की उसको भी अपोज करता है, इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हिंदी में स्थैतिक बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऐसा फ्रिक्शन है जो कि सेल्फ एडजस्टिंग है, और ये किसको अपोज करता है, टेंडेंसी टू मूव, अभी मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है, ये टेंडेंसी को अपोज कर रहा है। अब आप ये समझिए कि एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ये ब्लॉक जो है आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, अब अच्छा, अब जब ये बॉडी में रिलेटिव मोशन आ गया है, बॉडी मूव करने लगी है, तब जो फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा वो होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है, इस ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब जब मोशन स्टार्ट हो गया है, ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करने लगा है, ठीक है, ब्लॉक फिसलने लगा है आगे की तरफ, अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होगा, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अगर वहां मोशन नहीं भी हो रहा है लेकिन टेंडेंसी है तो भी ये फ्रिक्शन अपोज करने लगता है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि दोनों ही फ्रिक्शन क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ही फ्रिक्शन क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एफ एस से डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं एफ के से डिनोट कर रहा हूं, ये दोनों ही, ये कैसे एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि ये दोनों ही क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। क्या नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, जो भी आपका ब्लॉक है या फिर जो भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जब वो रखा है तो ऑब्वियसली ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी ऑब्जेक्ट को, ये नॉर्मल रिएक्शन
ये नॉर्मल रिएक्शन पे डायरेक्टली, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाएंगे, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में जो आता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, न्यू के हो गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, म्यू। मैं सिंपली ऐसा नहीं है कि म्यूएस और म्यूके की अलग अलग वैल्यू डिपेंड करेंगी किसी चीज पे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस पे और एनवायरमेंट पे, किस एनवायरमेंट में हो रहा है। ये हम अभी थ्योरी पार्ट इसका आराम से डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अभी इसको, ये तो हमारा फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये क्लियर है, लेकिन इसमें एक एफके इज इक्वल टू वी के इनटू एन। अब जरा अपने वापस उस एक्सपेरिमेंट में चलिए जो हम कर रहे थे। तो अगर मैं देखूं, देखिए अगर मैं ये फोर्स स्टार्टिंग में एफ को, कैपिटल एफ को जो कि अप्लाइड फोर्स है उसको इंक्रीज कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि शुरू में ये जो फ्रिक्शन लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन था जब तक बॉडी मूव नहीं करना स्टार्ट की, और ये सेल्फ एडजस्टिंग था। जैसे जैसे मैं अपना फोर्स इंक्रीज कर रहा था ये फोर्स भी इंक्रीज हो रहा था खुद में, ठीक है। तो इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, जैसे μs इनटू n, n तो देखिए कांस्टेंट होगा, μs भी कांस्टेंट होगा, डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंट और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन तो इसका मतलब है यहाँ पे इक्वेलिटी साइन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होल्ड करेगा, तो फिलहाल अभी इक्वेलिटी साइन में हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन कैसे सेल्फ एडजस्टिंग। अब देखिए, अब जब आप कैपिटल एफ जो अप्लाइड फोर्स है जब उसको आप इंक्रीज कर रहे थे, धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रहा था। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पर ये फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, उसके बाद आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब आप घर में कोई भारी सा बस्ता जब आप कोशिश करते हैं उसको मूव करने की, तो शुरू में आपको एक पॉइंट आता है कि आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है, उसके बाद एक बार मोशन उसका स्टार्ट हो जाता है तो जो ये फोर्स होता है वो अपने आप ही कम हो जाता है, जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है वो अपने आप ही थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ब्लॉक मूव करने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा ये क्या होगा, ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जस्ट उस पॉइंट पे जिस पॉइंट के बाद आपका बक्सा मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देगा उस समय क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एटलीस्ट ये क्लियर होता है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन, एक तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा, फिर आप सिमिलर फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे जो आपको अपोज कर रहा है, ठीक है, सरफेस की तरफ से। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मोर और लेस कॉन्टिन्यूसली सेम ही रहता है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ये कम होता है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और मुझको ये पता है ये वाला फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है तो शुरू में कम होता है, और ये इसकी जो कि मैक्सिमम वैल्यू है तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, लेस देन और इक्वल टू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी टाइम लेस देन और इक्वल टू μs इंटू एन होगा, ठीक है। तो यहां से खुद ही समझ में आएगा कि fs max क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी हो जाएगी μs इंटू एन। और ये जब भी ये होगा, जब भी ऐसा मतलब जब भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी ये हो गई, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ब्लॉक और बॉक्स जो भी है, ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ठीक है, स्लिपिंग या मूविंग जो भी आप, तो इस समय ब्लॉक अपने
जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब बिल्कुल किनारे पे, ठीक है, तो मतलब बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाला है स्लिपिंग, राइट ओके। अब ग्राफ देख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में जो हमारा ग्राफ बनेगा बेस अपॉन काइनेटिक फ्रिक्शन को हिंदी में मैंने बताया कि काइनेटिक फ्रिक्शन को आप सर्पी या फिर गतिज घर्षण कहते हैं, सर्पी या फिर गतिज देखिए ग्राफ अगर मैं बनाऊ अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स ले रहा हूँ कैपिटल एफ जो था हमारा अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस पे मैं आपका फ्रिक्शन फोर्स ले रहा हूँ, फ्रिक्शन वाई एक्सिस पे मैं आपका फ्रिक्शन फोर्स ले रहा हूँ। अब देखिए जैसे जैसे आप इनिशियली आप जैसे जैसे क्या करेंगे आप फ्रिक्शन फोर्स एफ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जैसे जितना फ्रिक्शन फोर्स एफ लगेगा उतना ही देखिए जैसा जितना फ्रिक्शन फोर्स एफ लगेगा ब्लॉक पे उतना ही देंगे शुरुआत में जब यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रिक्शन था, ठीक है, तो उतना ही फोर्स ये वाला भी होगा, ठीक है, तभी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू जीरो होगा तभी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, एफ इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप एफ इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा उतना ही आपका जो है ये भी इंक्रीज होगा फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये क्या होगा आप एफ इंक्रीज करते जा रहे हो एफ इंक्रीज करते जा रहे हो तो अब क्या होगा कि जो कैपिटल एफ आप इतना इंक्रीज कर दिए कि ये किसके इक्वल हो गया एफ एस मैक्स के, ठीक है, एफ एस मैक्स के, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट दे दूं तो पॉइंट ओ से ए, ठीक है, ओ से ए ये वैलिड होगा एट ए क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एस मैक्स हो जाएगा। और अब क्या होता है अब एकदम से क्या होता है बॉडी अपना मोशन करने लगती है और जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे एफ एस मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट है फ्रिक्शन की क्योंकि इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे रही है वो सरफेस, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे रही है किसी भी पॉइंट पे, देखिए यहाँ, और उसके बाद क्या है अब बॉडी जब मूव करने लगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई है क्योंकि देखिए क्या है फ्रिक्शन इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि अभी हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में उसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली म्यूके की वैल्यू वेलोसिटी पे मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ वेरिएशन होता है मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी जो है उसके साथ उसकी वैल्यू वेरी करेगी म्यूके की, लेकिन वो वेरिएशन हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो वेरिएशन क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है तो हम लोग जनरली म्यूके को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ में अगर आप ऐसे भी दिखा देते हैं तो दैट्स गुड, ठीक है। अब देखिए ए के बाद आफ्टर ए, ठीक है, आफ्टर ए क्या होगा आफ्टर ए एफ जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो अगर एफ के बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो एफ के बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है मतलब कि बॉडी देखिए ए के बाद ये क्या है मैं अगर इसको थोड़ा सा डिवाइड करूं तो ये वाला रीजन जो है ये आपका स्टैटिक रीजन है। स्टैटिक रीजन का मतलब कि आपकी स्टैटिक रीजन मीन्स आपकी जो है बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी,
अब ये क्या है, ये काइनेटिक रीजन है, बॉडी मूव करने लगी, ठीक है, काइनेटिक रीजन है, ठीक है, बॉडी अब मूव करने लगी। लेकिन अब जब बॉडी मूव कर रही है तो यहां पे देखिए आपका जो अप्लाइड फोर्स है, आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर भी हो सकता है और काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, अगर इक्वालिटी होल्ड करती है तो इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि अगर ब्लॉक पे मैं देखूं तो ब्लॉक पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा, क्या हो जाएगा, एफ नेट सिग्मा एफ एक्सटर्नल, ये हमारा क्या हो जाएगा, F माइनस FK और ये जीरो हो जाएगा। मतलब लेकिन फिर भी मोशन हो रहा है यहां पर, काइनेटिक रीजन में मोशन हो रहा है, ठीक है ना, मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। किस केस में, इस केस में अगर इक्वेलिटी होल्ड करती है, इफ एफ इज इक्वल टू एफ के, अब ऑब्वियसली अगर एफ एफ के से ज्यादा है तो फिर बॉडी एक्सीलरेशन में आ जाएगी, एफ माइनस एफ के नेट फोर्स हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो पहले देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बेसिकली उससे पहले समझिए एक चीज कि मैं नेट फोर्स, अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे मूव करता है, मतलब दो सरफेसेस के बीच में, सपोज कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, ये सरफेस कैसी है, रफ है, मतलब फ्रिक्शन को फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब ये सरफेस को अगर मैं देखूं तो ये सरफेस जो है वो ब्लॉक को दो फोर्सेस लगाती है, कौन कौन सा, एक तो इस ब्लॉक को ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, इस ब्लॉक को ये नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करती है, और दूसरा क्या प्रोवाइड करती है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी होगा, ये फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नेट फोर्स, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी टाइम आप देखिए, अगर इस पे आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, देखिए फ्रिक्शन अगर नॉर्मली ब्लॉक सिर्फ रखा है और ना ही आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ना इसके पास टेंडेंसी है मोशन की, ना ही ये मूव कर रही है, तब तो फ्रिक्शन जीरो ही होगा, तब तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इन केस अगर यहां पर टेंडेंसी है मोशन की या फिर रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस समय की बात करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी देगा और फ्रिक्शन भी देगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूं तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा जो कि इस ब्लॉक पे ये सरफेस लगाएगी, कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगा जो कि इस ब्लॉक पे ये सरफेस लगाएगी, वो क्या होगा, वो ये वाला फोर्स होगा, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स है जो कि ब्लॉक पर लगाएगी सरफेस, ठीक है, नेट फोर्स है, एफ सरफेस मैंने नाम दे दिया है, नेट फोर्स है जो कि ब्लॉक पर लगाएगी सरफेस, और ये नेट फोर्स ये बेसिकली है क्या, एफ सरफेस है क्या, एफ सरफेस अगर मैं देखूं तो ये है वेक्टर एडिशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो ये नेट फोर्स है। अब ये कुछ ना कुछ हमेशा एक एंगल बनाएगा किससे, अगर बॉडी मूव कर रही है या फिर बॉडी में टेंडेंसी है मोशन की, उस समय हमेशा ये फ्रिक्शनल जो नेट फोर्स होगा वो कुछ ऐसे ही डायरेक्शन में आएगा,
और ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इससे नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा हमेशा, ठीक है। लेकिन उस देखिए, अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि ये फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है। देखिए अगर फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन मान लीजिए थोड़ा कम था, इतना था, तब फिर देखिए नेट फोर्स कहाँ जाएगा, तब नेट फोर्स आपका आएगा कुछ ऐसे, नेट फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये थीटा देखिए, तब थीटा ये होगा। तो जैसे जैसे आप देखिए क्या है, जैसे जैसे ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो नेट फोर्स है वो किस तरह आता जाएगा, मतलब ये नेट फोर्स जो है, ये एंगल थीटा जो है ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू चेंज भी होगी, जैसे जैसे फ्रिक्शन चेंज होगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मैं अब उस टाइम की बात कर रहा हूं जब ये फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, मतलब कि एफएस मैक्स, जब स्थैतिक घर्षण बल की मैक्सिमम वैल्यू पे ये फ्रिक्शन होगा, उस समय जो ये थीटा बनाएगा, उस समय जो ये थीटा बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है एंगल बिटवीन नेट फोर्स ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ एफएस मैक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ एफएस मैक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली एफएस मैक्स जब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की होगी, उसी समय जो ये रिजल्टेंट आएगा वो यही होगा, और ये एंगल आपका जो होगा थीटा। तो अब देखिए यहां अगर मैं 10 थीटा निकालू तो 10 थीटा क्या होगा, इस डायग्राम में देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ले लू, ए ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं, ए बी सी राइट, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं देखू तो 10 थीटा क्या होगा, 10 थीटा आपका हो जाएगा, 10 थीटा आपका हो जाएगा सी एन अपॉन बी ए, सी एन अपॉन बी ए, ठीक है। अब सी एन क्या है, सी एन है एफ एस मैक्स के बराबर, ठीक है, ये वेक्टर की जो लेंथ होगी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ एस मैक्स अपॉन बी ए, बी ए क्या है, ये वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ जो होगी वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, तो एफ एस मैक्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन मैं जानता हूं कि एफ एस मैक्स क्या होता है, एफ एस मैक्स क्या होता है, एफ एस मैक्स हमारा होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एस इंटू एन, ये वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूं तो हमारा 10 थीटा क्या आएगा, 10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा हमारा म्यू एस इंटू एन, एन एन कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा, म्यू एस के बराबर, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि जो थीटा होगा, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा किसके बराबर होगा, 10 इनवर्स म्यू एस के बराबर होगा। देखिए नेक्स्ट होता है एंगल ऑफ रिपोज, राइट, एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज की बात करूं, एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या होता है, देखिए
अगर मैं अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल रखा है तो अभी ना इसके ये जो ब्लॉक रखा है मान लेते हैं ये ब्लॉक है और ये हमारी सरफेस है, जब तक ये हॉरिजॉन्टल है तो देखिए ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, सरफेस क्या फोर्स लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो इसके एमजी को कैंसिल कर देगा, ठीक है, और इसके डस्टर के एमजी को कैंसिल कर देगा नॉर्मल रिएक्शन, बस फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को इंक्लाइन करूं थोड़ा टेढ़ा करने लगूं, इसी प्लेन को इसी सरफेस को मैं थोड़ा अगर टेढ़ा करने लगूं, तो देखिए तो ये जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा तो क्या होगा, इसमें टेंडेंसी आ जाएगी मोशन की, लेकिन अभी देखिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, मैं और इंक्रीज करता जा रहा हूं ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इस समय अभी तक देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी अपना बढ़ता जा रहा है जितना। अब देखिए जैसे ही इसने मूव करना स्टार्ट किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, ये जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सिर्फ फिसलने ही वाला था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, इसके और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये तो पहली चीज है। लेकिन देखिए जैसे जैसे आप ये एंगल इंक्रीज कर रहे हो, कौन सा एंगल, ये हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये जब हॉरिजॉन्टल से आप एंगल इंक्रीज कर रहे हो उस समय देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा क्या होगा, ये भी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा, जैसे जैसे आप ये एंगल इंक्रीज करोगे एक एंगल आएगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट होगा स्लिप होना नीचे की तरफ, कौन सा एंगल, जो एंगल ये प्लेन बनाना है हॉरिजॉन्टल से, जो एंगल ये सरफेस बना रही है हॉरिजॉन्टल से, वो वाला एंगल एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिस एंगल पे ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट होगा स्लाइड होना, ठीक है, और उसके उससे ज्यादा उससे ज्यादा वो एंगल आप बढ़ाओगे तो ये तुरंत स्लाइड होने लगेगा, तो वो एंगल जब ब्लॉक बिल्कुल, वो एंगल कौन सा, इस सरफेस का जो हॉरिजॉन्टल से बना रही है वो एंगल, किस पॉइंट पे, जब ब्लॉक बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है स्लिप होना, वो ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ठीक है, ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, वो एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज है क्या, ये सरफेस का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, अगर कोई सरफेस इंक्लाइन सरफेस कुछ एक एंगल थीटा या फिर बेटर है अल्फा लिखिए, अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल है जिसपे ये सरफेस इंक्लाइंड है, और ये वो पोजीशन है जब ब्लॉक क्या है, जब ब्लॉक आपका ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, जब ब्लॉक आपका ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, ठीक है, स्लिप करना बस स्टार्ट कर ही रहा होगा, ठीक है, तो मतलब फिलहाल के लिए यहां पर इस समय अभी ये क्या है, अपनी लिमिटिंग पोजीशन पे होगा, और क्या फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, आगे की पीछे, देखिए ब्लॉक की टेंडेंसी टू मूव किधर है, इस तरफ, ठीक है, इस सरफेस के हिसाब से ब्लॉक में टेंडेंसी टू मूव किधर है, इस तरफ, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ ऊपर की तरफ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस समय क्योंकि ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ठीक है। अब देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, अब अगर मैं बस बाकी दूसरे फोर्सेस क्या होंगे, दूसरे फोर्सेस देखिए जो एमजी है इसके दो कंपोनेंट मैं कर लेगा, जो इसका वेट है ब्लॉक का उसके दो कंपोनेंट आप कर लीजिए, एक तो पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, तो जब भी ये पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन अल्फा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा, ये अल्फा है तो इधर साइन अल्फा ही है, क्योंकि ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा,
log is on the verge of slipping. Log is on the verge of slipping. ठीक है, that means इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स अभी भी ब्लॉक पे जीरो ही होगा. नेट फोर्स जो होगा क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब आप थोड़ा सा आप और टेढ़ा करोगे इसको तो यही हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा मूव करना. ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स अभी भी जीरो होगा. ठीक है, तो नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो बस आप अपनी इक्वेशन बनाइए. तो इक्वेशन देखिए दो बनेगी, अगर मैं अपनी एनालिसिस इन एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा हूँ, एक्स डैश और वाई डैश इस एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा हूँ. ठीक है, अपनी एनालिसिस तो देखिए अलॉन्ग एक्स डैश कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो मैं उनको भी एक्स सिग्मा एफ एक्स डैश जीरो होगा. ब्लॉक रेस्ट पे है ना, ऊपर नीचे जा रहा है ना, अभी स्लाइड कर रहा है, बट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, इसलिए हमारा नेट फोर्स जीरो होगा अलोंग द एक्स डैश भी अलोंग द वाई डैश भी. तो सिग्मा एफ एक्स डैश अगर जीरो है तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स मैक्स माइनस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो. आप लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा माइनस एफ एक्स मैक्स इज इक्वल टू जीरो. मैंने एक्सिस शो कर दी है, किस एक्सिस के अलोंग थोड़ो, एक पैरेलल एक्सिस है एक्स डैश, प्लेन के पैरेलल एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दो एक्सिस हमने दो कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यूज किया है. ठीक है, तो एम जी साइन अल्फा एफ एस मैक्स माइनस एम जी साइन अल्फा ये किसके बराबर है, जीरो. ठीक है, वाई डैश को जब आप जीरो करेंगे सिग्मा एफ वाई डैश नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डैश, तो देखिए एन माइनस एम जी कॉस अल्फा ये जीरो हो जाएगा. यहां से आपका जो एफ एस मैक्स आएगा, एफ एस मैक्स आएगा वो क्या होगा, एम जी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और यहां से देखिए एन इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा हो रहा है. ये वैल्यू अच्छा ये देखिए, ये तो हमको यहां से मिला है, ये वाली इक्वेशन हमको यहां से मिल रही है. अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, इसको आप देखिए एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एस मैक्स होता है आपका म्यू एस इंटू एन, तो यहां से आ जाएगा म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एन की वैल्यू एम जी कॉस अल्फा यहां से रख दी तो यहां पर आ जाएगा म्यू एस इंटू μs into mg cos alpha is equal to mg sin alpha. ठीक है, mg mg पड़ जाएगा और tan alpha यहां से क्या आ जाएगा, tan alpha यहां से आपका आ जाएगा μs के बराबर. अल्फा आपका क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इनवर्स के बराबर, मतलब दोनों एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू यस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू सेम आ रही है. लेकिन एंगल ऑफ रिपोज टेक्निकली दूसरी चीज है, क्या है ये उस प्लेन का एंगल है, ये उस सरफेस का एंगल है हॉरिजॉन्टल से. ठीक है, तो इसको समटाइम्स हम लोग क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं. क्या, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं अल्फा सी से भी, या कहीं आप थीटा सी भी देख सकते हैं. ठीक है, थीटा सी अल्फा सी ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू एस.
कुछ एक पॉइंट्स हैं उनके, पहले माइक्रोस्कोपिक व्यू समझ लेते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, बेसिकली ये कुछ सरफेस फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड करती है, कुछ कम प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमको माइक्रोस्कोपिक व्यू, मतलब कि सरफेस को, जो दो सरफेस हमारी आपस में कॉन्टेक्ट में है, उन सरफेस को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं, आपको जैसे ये बोर्ड काफी प्लेन दिख रहा है, लेकिन अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप यूज करके देखूं, तो जो आपको सरफेस है ना, उस पे कभी वो सरफेस आपको कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे रफनेस दिखेगी। इसी को रफनेस ऑफ द सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रफ सरफेस ही होती है। ठीक है, अब अगर दो ऐसी दो सर्फेसेस आपस में जब कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो देखिए एक तो क्या होता है, जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो पहली चीज तो देखिए इनको, ये जो सर्फेस है ब्लैक वाली, सपोज ये अगर मूव कर रही है आगे की तरफ, ठीक है, तो अब देखिए हर बार क्या होगा, ये नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी, राइट, तो ये जब राइज करेगी, ये जब इस सरफेस पे राइज करेगी, तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह की चढ़ाई चढ़ रही है, राइट, तो वो एक तो अपोज करेगा, वो एक तरह का अपोजिशन वहां से भी मिलता है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं जो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये जो पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ऊपर से देखिए, ऊपर से ये कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही इसका, ठीक है, ये जो भी बॉक्स है ये, तो ये समझिए ये वाली सरफेस जो है ब्लैक वाली, इसके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ वेट होगा, उस वेट की वजह से प्रेशर आएगा, वो प्रेशर हर एक पॉइंट पे क्या कर देगा, वेल्डिंग ही बना देगा। ठीक है, क्या कर देगा, वेल्ड बना देगा, इनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्ड। ठीक है, कोल्ड वेल्ड्स बन जाएंगे, क्यों बन जाएंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, ऊपर से कुछ प्रेशर आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपस में थोड़ा सा डिफॉर्म होके एक दूसरे को, मतलब एक तरीके का आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे एटम्स के बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो आपस में वेल्डिंग कर लेंगे, ठीक है, आपस में ज्वाइंट बना लेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है, जो ऊपर से जो भी आपका बॉक्स है या कुछ भी, उसका जो प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर की वजह से ये कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, हर पॉइंट पे ये कोल्ड वेल्ड्स टूटेंगे, ठीक है, और नए कोल्ड वेल्ड्स बनेंगे, फिर वो टूटेंगे। ठीक है, तो ये जो कोल्ड वेल्ड्स, ये जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट, अब बताइए अगर दो सरफेस ज्वाइंट होती जा रही है और फिर आप खींचोगे तो क्या है कि वो फोर्स, जो ज्वाइंट वाला फोर्स है, वो जब टूटेगा तो एक तरह का क्या है, एक तरह की आपके मोशन को रुकावट देगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन टू योर मोशन है, ये जो टूटेंगे, ये जो कोल्ड वेल्ड बन रहे हैं, इनको अब टूटना भी होगा, तो ये एक तरह से आपके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यही ऑब्स्ट्रक्शन टू द मोशन, रिलेटिव मोशन, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इसी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम हो रहा होता है। अब समझिए, इसीलिए ये क्या है, ये एक तरीके के जॉइंट्स हैं। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। ठीक है, इसीलिए फ्रिक्शन भी एक तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, एक तरह का इसका भी ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो सरफेस की रफनेस कितनी है, ठीक है, डिग्री ऑफ स्मूथनेस या डिग्री ऑफ रफनेस, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा ये एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली है कि एनवायरमेंट के हिसाब से
एनवायरमेंट के हिसाब से ही क्या होगा, आपकी सरफेस की रफनेस भी चेंज हो जाती है। सपोज जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं, आप दो कॉपर बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, दो कॉपर प्लेट ले लीजिए। अगर दो कॉपर प्लेट आप लेंगे राइट, और उसको क्या है कि आप किसी एक चैम्बर में रख देते हैं आपस में इनके ऊपर एक, ठीक है, आप किसी चैम्बर पे रख दीजिए, और उस चैम्बर में क्या है कि आपने उसमें ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, मतलब एयर उसमें बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अब है क्या, अच्छा सरफेस आपने क्या करा था, सरफेस से डस्ट हटा दीजिए, उसको ठीक से मतलब पूरी तरीके से उसको आप क्लीन करके सरफेस को दोनों को आपने ऐसे रख दिया, और फिर उस चैम्बर से आपने एयर भी रिमूव कर ली, ठीक है। तो होगा क्या कि अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। अब ये जो सरफेस दो कॉपर प्लेट आपस में रखी है, इनके बीच में जो ये कोल्ड वेल्ट्स बनेंगे, ये बड़े स्ट्रांग कोल्ड वेल्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। स्ट्रांग कोल्ड वेल्ट्स बन जाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, मतलब म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब किसी भी तरह आप क्या करिए, आप कुछ ऐसा करिए कि इनको वापस बाहर निकालिए उस चैम्बर से, और प्रॉपर एयर में मतलब ऐसे प्लेस में रखिए जहां पर प्रॉपर आपकी एयर अवेलेबल है। तो वो एयर क्या होगी, वो एयर इसके इनके बीच में जो भी आपके स्पेस होगा, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में एयर जब आ जाएगी, और ये एयर क्या करेगी, ये एयर में ऑक्सीडाइज कर देगी सरफेस को, ये सरफेस को क्या करेगी, सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देगी। तो अब क्या है कि कॉपर की, दोनों कॉपर की सरफेस पे क्या बन जाएगा, कॉपर मतलब ऑक्सीडाइज होके क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब कॉपर की ऑक्साइड बन जाएगी, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जो ये मेटल ऑक्साइड होता है, ये बड़ा पाउडरी सा होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो होता है दैट इज पाउडरी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से ये जो कोल्ड वेल्ट्स हैं, ये थोड़े से अब सरफेस कैसी होगी, थोड़ी पाउडरी होगी, तो ये कोल्ड वेल्ट्स जो है, ये कोल्ड वेल्ट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब इनकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, जो आपकी म्यूके होता है, म्यूके की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब दो अलग अलग केसेस हमने देखे एनवायरमेंट के हिसाब से, कैसे हमारा म्यूके चेंज होता है, राइट। अब इसके बाद अगर दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि क्या ये म्यू डिपेंड करते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, म्यू डिपेंड करता है क्या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो म्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यों, देखिए अगर कोई सरफेस है, आप ये सोचिए कि अगर मैं दो सरफेस के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम कर दूं, कैसे, सपोज कि ये आपकी एक सरफेस थी, ठीक है, और इसको मैंने प्रॉपरली क्या है, दूसरे सरफेस पे एक तरह से ये दूसरा नीचे रेड कलर का सेकंड बॉक्स है, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स पे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं, ठीक है, इसको स्लाइड कर रहा हूं। तो अब देखिए इस केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जितना बड़ा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, उतना ज्यादा बेल्ट ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं, उतना ज्यादा बेल्ट ज्वाइंट्स होंगे, और अगर बेल्ट ज्वाइंट्स ज्यादा होंगे तो एक तरह से क्या हो जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट एरिया अगर ज्यादा हो रहा है तो उतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाना चाहिए, यही लगता है। लेकिन सेकेंड केस क्या है, ये कोल्ड ज्वाइंट बनते कैसे, ये कोल्ड ज्वाइंट बनते हैं ड्यू टू द प्रेशर जो कि इसके वेट की वजह से आएगा। कोल्ड ज्वाइंट कैसे बनते हैं, ड्यू टू द प्रेशर जो कि ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर वाले बॉक्स के वेट की वजह से आएगा, ठीक है। उस अब वो प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, वो प्रेशर की वजह से आपके कोल्ड ज्वाइंट बनते हैं, ठीक है। तो अब सपोज आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करा,
नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये सोचें कि सेम ब्लॉक को मैं क्या कर दूं, सेम ब्लॉक का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अगर मैं कम कर दूं, तो इसको पूरी सरफेस ऐसे करने की बताए, मतलब पूरी सरफेस इसके ऊपर रखने के जगह अगर आप ऐसा करो कि सिर्फ एक एज, ये वाली सिर्फ एक एज रह जाए यहाँ पर, ये पूरी सरफेस नहीं, ये सिर्फ एक एज रह जाए, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, ऊपर वाले बॉक्स को आपने थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट किया कि ऊपर वाला बॉक्स अब आप इस सरफेस पे कैसे स्लाइड कर रहे हो कि एक एज के थ्रू, राइट। ये नीचे वाली सरफेस होगी, अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसको आप क्या कर लो, इस सरफेस पे ठीक है। अब आपने ये क्या कर दिया, अब आपने ये वाला जो फ्लोर है इसको आपने हवा में उठा दिया, सिर्फ और सिर्फ तो, और ये जो रेड वाला कोर्स रेड वाली सरफेस है ये कुछ ठीक है। तो अब आप इस ब्लॉक को कैसे स्लाइड कर रहे हो, अब आप इस ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हो, पहले आप इस ब्लॉक को स्लाइड कर रहे थे इस तरीके से इस सरफेस पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए ज्यादा था ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब इसको ब्लॉक अब इसको स्लाइड करोगे तो एक एज का कॉन्टेक्ट से दोगे, एक सिर्फ एज का कांटेक्ट, पहले आप ऐसे स्लाइड कर रहे थे तो पूरा एरिया ये वाला कांटेक्ट में था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब सिर्फ एज पे, तो अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन आपके हिसाब से कम हो जाना चाहिए क्योंकि अब एक एज पे नंबर ऑफ कोल्ड ज्वाइंट्स कम हो जाएंगे ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप ये समझिए कि जब आपने ऐसे रखा था वेट तो सेम ही था इस डस्टर का, अब वो वेट डिस्ट्रीब्यूट था पूरे इतने एरिया पे, वो वेट डिस्ट्रीब्यूट था पूरे इतने एरिया पे, तो एक तरह से जो प्रेशर था जॉइंट्स पे, जो प्रेशर था वो कम हो गया था, जॉइंट्स पे जो प्रेशर था वो कम हो गया था। लेकिन अब जब आपने एज करा और एक एज पे आप स्लाइड करना चाह रहे हो तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो कम हो गया लेकिन साथ ही साथ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी कम हो गया, तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया यहां पर लगेगा, तो प्रेशर एरिया आपका, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी कम होने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज होने पे क्या होगा, जो ज्वाइंट्स बनेंगे वो और स्ट्रांग बन जाएंगे इस केस में, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स तो कम हो जा रहे हैं जब आप एरिया कम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट्स बढ़ जा रही है, क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों फिनोमेनन जो है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसीलिए न्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका एप्लीकेशन जैसे कि है, जैसे कि पहले आते थे टायर्स जो आते थे उसमें टायर्स और इनके बीच में क्या होता था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सिंगल होता था, मतलब जो होता था टायर्स थोड़ा सा मतलब आपके सर्कुलर होते थे राइट, तो रोड और टायर के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा होता था, आई मीन एक पॉइंट कॉन्टेक्ट होता था ठीक है। लेकिन जब फ्लैट टायर्स आए ठीक है, अब जैसे गाड़ियों में फ्लैट टायर्स आते हैं, तो क्या फ्लैट टायर्स आने से क्या फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, नहीं फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्लैट टायर्स आने से क्या होगा, फ्लैट टायर आने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। और बल्कि फ्लैट टायर्स होने से एक फायदा यह है कि जो गाड़ी का पूरा वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन इजिली हो जाता है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है राइट, मतलब टायर्स पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो ये फायदा ही है, और फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट, ना फ्रिक्शन कम होगा ना फ्रिक्शन बढ़ेगा, बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वो डिपेंड नहीं करता। तो विद दिस फ्रिक्शन हम खत्म करते हैं, फ्रिक्शन हमारा यहां पर
एंड हो रहा है और अब नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी ओवर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। देखिए सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है, उससे पहले यही समझिए, अभी तक जो भी हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंडर एनालिसिस की थी, ठीक है, तो वहां पर हमने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होते हैं, राइट, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई किए वो हमने पूरी एक एक्सटेंडेड बॉडी पे किया। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब कि अगर कोई ब्लॉक है उस ब्लॉक पे अगर फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक 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 पॉइंट है जो कि कंसीडर करने वाला है कि ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है दे आर एप्लीकेबल ऑन अ पॉइंट पार्टिकल, मतलब इनको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इनको वहां अप्लाई कर सकते, ये अप्लाई कर किए जा सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल जो कि जिसके डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट ये जो है ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, और उसके पास अपना कुछ मास है, तो ये पॉइंट पार्टिकल के लिए आप लगा सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, जहां पर एम क्या होगा मास ऑफ द पॉइंट पार्टिकल। लेकिन हमने ये इक्वेशन यूज करी है और प्रॉपर एक्सटेंडेड बॉडीज पर लगाया है। एक्सटेंडेड बॉडीज का मतलब होता है जिनका कुछ साइज हो, जो पॉइंट ना हो, जो पॉइंट की तरह ना हो, जिनका कुछ अपना साइज हो, ठीक है। लेकिन इन एक्सटेंडेड बॉडीज पे हमने इजीली लगा दिया था जबकि एप्लीकेबल है पॉइंट पार्टिकल पे, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हम एक्सटेंडेड बॉडीज को पॉइंट पार्टिकल ही डिनोट कर रहे थे, राइट। तो देखिए एक्सटेंडेड बॉडीज को हम यहां पर पॉइंट पार्टिकल कंसीडर क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी हम कोई मोशन कंसीडर कर रहे थे, सपोज ये ब्लॉक का अगर हम मोशन कंसीडर कर रहे थे, तो ये ब्लॉक क्या था, अगर ये पेन का हम मोशन उस समय कंसीडर कर रहे थे, तो ऑल द पार्ट्स ऑफ द पेन, ठीक है ना, जितने भी पार्टिकल्स हैं इस पेन पे, सारे पार्टिकल्स एक ही तरीके से मूव कर रहे थे, सारे पार्टिकल्स इन द सेम वे एक ही तरीके से मूव कर रहे थे, ठीक है। तो जब किसी भी बॉडी में, देखिए कोई भी बॉडी इनफाइनाइट पार्टिकल्स की बनी होगी, राइट, अगर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग इन द सेम वे, तो हम उस बॉडी को एज अ पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग इन द सेम वे, तो हम उस बॉडी को एज अ पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर मैं ये हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ये पेन, अगर इस पेन को मैं ऐसे फ्लिप करता हूं, देखिए अगर ये पेन ऐसे जाके सीधा आता है, तो इसको मैं पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं क्योंकि ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग इन द सेम वे। लेकिन अगर इसको मैं फ्लिप करता हूं, राइट, अगर इसको मैं ऐसे फ्लिप करता हूं, तो देखिए इसमें हर एक पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और साथ में क्या है कि ये पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर इस टाइप का जनरल मोशन कर रही है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर इस टाइप का जनरल मोशन कर रही है, तो हम उसको, देखिए कोई भी बॉडी अगर इस टाइप का जनरल मोशन कर रही है, तो हम कभी भी उसको कैसे डील नहीं कर सकते, पार्टिकल डील नहीं कर सकते। और अगर हम इस केस में अगर एज अ पॉइंट पार्टिकल उसको डील नहीं कर सकते, तो फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी अगर जनरल मोशन कर रही है, जैसा अभी मैंने जैसा पेन को फ्लिप करने पे हो रहा है, कोई भी बॉडी अगर ऐसा कोई भी जनरल मोशन कर रही है, राइट,
सपोज ये पेन था हमारा, ठीक है, ये पेन हमारा कुछ ऐसे ऊपर जा रहा था और फिर वापस ऐसे ही नीचे आ रहा था, ठीक है। तो ये एक तरीके का जनरल मोशन कर रही है, ठीक है। तो मैं कहीं पर भी अभी फिलहाल मैं पूरी बॉडी पे न्यूटन्स लॉज ऐसे अप्लाई नहीं कर सकता हूँ कि पूरी बॉडी को मैं पार्टिकल मानूं, लेकिन इस बॉडी में अभी भी एक पॉइंट होगा जो कि अभी भी क्या होगा, जिस पर हम अभी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर हम अभी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा वो अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है हमारा सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? यही होता है कि अगर सपोज मैं इस पेन को बैलेंस करना चाहता हूं, ठीक है, इस पेन को मैं बैलेंस करना चाहता हूं, तो जस्ट मेरी फिंगर के ऊपर जो भी पोर्शन है उसी के मिड पॉइंट पे इसकी एक्सिस पे, मतलब इस पेन की एक्सिस पे सपोज वो जो रिफिल होगा उस पे बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जहां पर मैंने, क्योंकि यहीं पर ये बैलेंस हो गई है। तो ये सेंटर ऑफ मास की खासियत क्या है? देखिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम पूरी बॉडी का, है ना, जहां पर पूरी बॉडी का मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब इस बॉडी का जितना भी टोटल मास होगा वो कहां, हम लोग इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे ही कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, ठीक है। अब ऐसी बॉडी जब बॉडी जनरल मोशन कर रही है तो इसकी एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एनालिसिस हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली जैसे अभी ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स पढ़ा है, तो ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में मोशन होता है कि ऑल द पार्ट्स आर मूविंग इन द सेम वे, लेकिन यहाँ पे हर पार्ट जो है अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन जो भी हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा है वो हम किस पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं, वो है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट पार्टिकल है जिस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अभी भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो जब भी जनरल मोशन ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है, जनरल मोशन कोई बॉडी का है तो उसकी एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस मोशन को। एक हो जाता है ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो रोटेशनल मैकेनिक्स हमारा नेक्स्ट इन लाइन है, ठीक है। अगले आप इसके आगे हम जो रोटेशनल वर्क एनर्जी पावर की बात करें रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपके सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस क्या है, सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस इज दिस, ठीक है, कि होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, ठीक है, और जब भी जनरल मोशन हो रहा है तो हम उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अपने जनरल मोशन को। देखिए सेंटर ऑफ मास समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज देखेंगे, मास मूवमेंट। सेंटर ऑफ मास की बेसिकली क्या आता है, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड हमारे आएंगे कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, या फिर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा क्योंकि उसके उससे जो एक्सिस पास हो रही होगी उसके अबाउट आपका रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशनल मैकेनिक्स पे बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो तब सेंटर ऑफ मास की जरूरत हो सकती है। तो सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन,
ठीक है, तो उसको निकालने से पहले थोड़ा सा एक टर्म है वो हमको समझना होगा कि ये मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट क्या होता है। ये मास मूवमेंट सिंपली होता है हमारा मतलब प्रोडक्ट ऑफ, या फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मास को किससे। सपोज ये मास मूवमेंट आपको किसी एक मास का निकालना है, किसी एक एम मास का, ठीक है। ये एम यहां पर ये कैसा होगा, पॉइंट मास होगा, ठीक है, पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास होगा। पॉइंट मास समझ में आता है कि एक पॉइंट पार्टिकल अगेन, ठीक है। तो अगर पॉइंट मास है हमारे पास एम, ठीक है, और इसका हमें मूवमेंट निकालना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, पॉइंट मास अलग है, ये पॉइंट वो पॉइंट है, कोई पॉइंट भी है स्पेस में, ये मास नहीं है, मास सिर्फ ये है, ये कोई भी पॉइंट भी है स्पेस में, सपोज ओरिजिन है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका मूवमेंट निकालना है पी पॉइंट के अबाउट, इसका मूवमेंट मुझे चाहिए, मास मूवमेंट चाहिए है पी पॉइंट के अबाउट, तो ये सिंपली होता है एम इंटू आर, एम इंटू आर, जहां पे आर क्या है, आर है डिस्टेंस इसके बीच में, एम इंटू आर होता है, जहां आर क्या है, आर है डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मास मूवमेंट। ये मास मूवमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो इस मास मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पे आप निकाल, जिस पॉइंट के अबाउट आपको मास मूवमेंट निकालना है, उस पॉइंट से किस तरफ होगी, जहां पर मास रखा है उस तरफ, ठीक है। तो एक एरो आप ड्रॉ करिए जिसका हेड किस तरफ होगा, उस पॉइंट से उस मास की तरफ होगा, ये डायरेक्शन जो होती है ये किसकी होती है, मास मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, राइट। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब इस पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको वैलिड प्रूव किया गया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड स्टेट, यूनिवर्सल स्टेट, ठीक है, यूनिवर्सल मतलब होता है कि जो हर जगह अप्लाई हो जाए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, क्या है कि द मास मूवमेंट, राइट, द मास मूवमेंट ऑफ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम में, सपोज आपके जिस सिस्टम को आप एनालाइज कर रहे हो उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन सारे पार्टिकल्स के मास, उन सारे पार्टिकल का मास मूवमेंट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, मतलब इन ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका कुछ एक पॉइंट आएगा इनके बीच में जो कि इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया कि मास मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, उस पॉइंट पे जहां पे उनका सेंटर ऑफ मास, अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास इज जीरो, ठीक है। एक मिनट यहां पे लिख लीजिए, द सम ऑफ मास मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास इज जीरो, मतलब ये है कहने का कि सपोज एक ये मास रखा है, एक ये मास रखा है, अब देखिए इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां पर कहीं बीच में होगा, ठीक है। अब
सी मान लेते हैं, वो सेंटर ऑफ मास इनका सी, ठीक है। तो अगर मैं मास मूवमेंट को देखे जेड सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो देखिए ये जेड वन हो जाएगा, सॉरी ये अगर ये डिस्टेंस आर वन है तो हमारा जेड वन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, और जेड टू हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आर टू, ठीक है। ये एरो जो है ये जेड वन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरो दिखा रहा है जेड टू, ठीक है। तो अब ये इस स्टेटमेंट में देखते हुए मैं क्या करूंगा, जेड वन प्लस जेड टू विल बी जीरो, जेड वन प्लस जेड टू विल बी जीरो, ठीक है। जेड वन देखिए, अब इसको स्केलर फॉर्म में लिखना है तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, शो करने के लिए। तो अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं तो राइट साइड नेगेटिव ले लिया, तो जेड वन देखिए क्या हो जाएगा, जेड वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम वन इंटू आर वन, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होगा। लेकिन जेड टू क्या होगा, माइनस का, क्योंकि साइन का राइट साइड है, ठीक है। तो एम टू इंटू आर टू ये आपका आ जाएगा जीरो। तो यहां से आता है एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू क्या हो गया, आर टू अपॉन आर वन। तो अगर मैं सपोज यहां पर तो हमने ये सिस्टम क्या देखा, दो सिस्टम थे हमारे सिस्टम में, दो पार्टिकल थे, ठीक है, उसके लिए हम ये कंक्लूजन पे हैं। लेकिन n पार्टिकल है, ठीक है, अगर n पार्टिकल है और उसमें क्या है, उसमें अगर हर एक पार्टिकल की दूरी अपने सेंटर ऑफ मास से कुछ होगी, हर एक पार्टिकल की दूरी अपने सेंटर ऑफ मास से कुछ होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरल टर्म में लिखना चाहूं, जनरल टर्म में लिखना चाहूं, तो मैं देख सकता हूं यहां से कि जो हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस होगी अपने सेंटर ऑफ मास से, इसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हर एक पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी अपने सेंटर ऑफ मास से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी, मतलब उस पार्टिकल के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन, सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब कि पार्टिकल जितना हल्का होगा वो उतना ज्यादा दूर होगा, जिसका मास जितना कम वो उतना ज्यादा दूर होगा अपने सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ये बात ऐसे भी समझी जा सकती है कि देखिए जिस अभी देखिए तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बैलेंसिंग पॉइंट, और बैलेंसिंग पॉइंट ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट ऑलमोस्ट बीच का पॉइंट है। ऐसी बॉडीज का जिनका जिनका सेंटर ऑफ मास उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ऐसी बॉडीज के लिए हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म बॉडीज, ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडीज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनका मास, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप क्वेश्चंस में देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी होगा, ठीक है। जैसे कि इसका जो मिड पॉइंट है वो देखिए हमारा क्या आ रहा है, बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये तो एक बात हो गई, ये तो यहां पर आ गया। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बताया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसमें अगर थ्रू आउट हमने मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हो, ठीक है, और इसको हम कई इसको ये हम चार टुकड़े करें और हर टुकड़े की लेंथ सेम है, हर टुकड़े की लेंथ सेम है, ठीक है, तो हर वो टुकड़े का मास भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके इस पार्ट में ज्यादा मास दे दिया है और इस पार्ट में कम मास दिया है, इसका डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है, थ्रू आउट द बॉडी मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नहीं किया है कि इस तरफ ज्यादा कर दिया इस तरफ कम कर दिया, ठीक है। ऐसी बॉडीज को हम यूनिफॉर्म बॉडीज बोलते हैं, इसके बारे में अभी बाद में फिर और आएगा और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, बॉडीज 1D 2D 3D हो गई। तो अभी फिलहाल बैक टू आवर डिस्कशन, तो ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा देखिए क्या आ रहा है कि जिस तरफ
जिस तरफ मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्ट होगा। जिस तरफ मास बॉडी का ज्यादा होगा, ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, जिसमें मास कहीं ज्यादा कहीं कम है, ठीक है, तो उसमें जिस तरफ ज्यादा मास, या फिर कई सारे पार्टिकल रखे हैं, ठीक है, तो उनमें जो भी पार्टिकल हैवियर होंगे उनके आसपास ही सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी, राइट। जैसे कि इसको यहां पर देख भी सकते हैं, सपोज मैंने इसको देखिए, अभी ये बीचों बीच है पूरा, ठीक है, अभी देखिए बीचों बीच है। अब अगर मैं इस तरफ पेन रख देता हूं, राइट, तो इसका सेंटर कुछ इस तरीके से, अगर मैं पेन रख दूं तो देखिए इसका लेफ्ट पोर्शन जो है, इसका जो लेफ्ट पोर्शन है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है, मतलब अभी दोनों ही अनस्टेबल पोजीशन में है इसलिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है सेंटर ऑफ मास, क्यों, क्योंकि इस तरफ मास जो है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरफ बढ़ा दिया गया है, तो पहले जहां बीचों बीच मिल रहा था अब थोड़ा सा इस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है, राइट, ओके। सो अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, एन पार्टिकल, पार्टिकल मतलब क्या हो गया, पॉइंट मास, ठीक है, तो कुछ मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जिसमें फिलहाल मैं अभी अपने इसके लिए थ्री पार्टिकल सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, थ्री पार्टिकल सिस्टम से जो हमारा जो भी आंसर, जो भी हमारी एनालिसिस करके आंसर आएगा उसको हम लोग सिंपली एन पार्टिकल के लिए रेप्लीकेट कर लेंगे, मतलब यू देख लेंगे कि अगर एन पार्टिकल होंगे तो इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी सपोज मैं ये कोई थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये आपका जेड है, जेड एक्सिस ये समझिए कि आउट ऑफ द बोर्ड है, बाहर की तरफ, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सपोज आपका कोई पार्टिकल वन है, पार्टिकल टू है, और ये पार्टिकल थ्री है, ये आपका ओरिजिन है, तो अब ये डिस्टेंस आर वन है, ये डिस्टेंस आपकी आर टू है, सॉरी आर थ्री है, ये आर थ्री है, और ये क्या है, आर टू, और इनका सेंटर ऑफ मास सपोज यहां पर ही आता है, ठीक है, नाम मैं सी दे दे रहा हूं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका आर सी, देखिए जेड वन भी इस तरफ ही होगा और यही जेड वन होगा, एक्चुअली ये वेक्टर आर वन ना सोचिए, आर वन सिर्फ डिस्टेंस बता रहा है और वेक्टर आपका ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये जेड वन है, ये जेड थ्री है और ये जेड टू है,
ये जो वेक्टर है ये Z2 R1 R2 R3 सिंपली इसकी पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या आप सिंपली यहाँ पर डिस्टेंस लेती है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब मास मूवमेंट ये नहीं है, ये R1 R2 R3 है। देखिए मास मूवमेंट क्या होगा, मास मूवमेंट होगा आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से हम अगर मास मूवमेंट बनाते हैं तो ये होगा Z1, ये होगा Z1, ये होगा Z2 और ये होगा Z1, Z2 और Z3 मैंने बना दिया। ठीक है, अब अगर हर किसी के थोड़ा कोऑर्डिनेट्स देख लिए जाए, ठीक है, तो मान लीजिए पार्टिकल 1 के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है X1, Y1, Z1। नोटेशन सेम हो जाएगी तो इसलिए इसको स्मॉल Z1 लिखते हैं। स्मॉल जेड क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्मॉल जेड क्या है, कोऑर्डिनेट। सो पार्टिकल 2 के कोऑर्डिनेट है X2, Y2, ठीक है, Z2। पार्टिकल 3 के कोऑर्डिनेट है X3, Y3, Z3। और पार्टिकल सी, मतलब से पार्टिकल सी नहीं सॉरी पॉइंट सी, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है, XC, YC, राइट, ZC। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली देखिए R1, R2, R3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, R1, R2, R3 अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं, XI, YJ, ZJ होता है, राइट। अभी हमने एक स्टेटमेंट जो हमारी सेंटर ऑफ मास के लिए जो अभी हमने पढ़ा था मास मूवमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मास मूवमेंट जो हमने पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं वो प्रॉपर्टी ऑफ मास मूवमेंट, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मास मूवमेंट के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मास मूवमेंट, Z1 plus Z2 plus Z3, देखिए ये कैपिटल जेड आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल जेड रिप्रेजेंट कर रहा है मास मूवमेंट। ठीक है, स्मॉल जेड से मैंने डिनोट किया है वो पार्टिकल की कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो मास मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, मास मूवमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मास मूवमेंट होगा क्या, यहां पर मास मूवमेंट होगा m1 into, अगर मैं ये बात करूं सी, ये पॉइंट सी है और ये पार्टिकल वन की लोकेशन है। ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, आरसी, राइट, दिस इज आरसी वेक्टर आरसी एंड दिस इज R1। ठीक है, तो आरसी माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ट्रायंगल O1C, ठीक है, ट्रायंगल O1C को कंसीडर अगर करें, ठीक है, ट्रायंगल OC1 ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में देखिए मैं लिख सकता हूं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, वेक्टर OC प्लस वेक्टर C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OC प्लस वेक्टर C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर O1। ठीक है, अब OC क्या है, OC है आपका R3। ठीक है, C1 नहीं पता है, वेक्टर C1, वेक्टर C1 ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि Z1 है, लेकिन Z1 हमारा मास मूवमेंट है, हमको चाहिए डिस्टेंस की फॉर्म में, मतलब डिस्टेंस चाहिए मुझे। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के लिए मैं ये पुट कर रहा हूँ वेक्टर C1 इज इक्वल टू वेक्टर O1। O1 क्या है, O1 है वेक्टर R1। ठीक है, तो वेक्टर C1 क्या होगा, वेक्टर C1 आपका हो जाएगा R1 माइनस R3। OC R3 नहीं, RC,
ओसी, ओसी क्या है, ओसी आर सी, ठीक है, तो आर वन माइनस आर सी याद है, ठीक है। तो देखिए जेड वन क्या हो जाएगा, जेड वन हो जाएगा अगर मैं लिखूं तो एम वन इंटू आर वन माइनस आर सी, ठीक है। ये जेड वन, जेड वन देखिए, जेड वन का मैग्नीट्यूड ये लेंथ नहीं होती है, ये लेंथ, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है जेड वन का, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये लेंथ इंटू एम वन, ठीक है। तो इसलिए अगर वेक्टर C1 की बात करें तो वेक्टर C1 क्या है, बेसिकली यही लेंथ और यही डायरेक्शन, तो वेक्टर C1 ये है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें M1 हम और मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल जाएगा, Z1। लेकिन अब देखिए M1 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर गिव्स यू अनदर वेक्टर, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन तो ये वाले वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई कर, तो M1 इंटू आर वन माइनस आर सी हो गया, प्लस Z2 क्या है, Z2 देखिए, तो सिमिलरली अगर आप लगाएंगे तो Z2 आ जाएगा R2 माइनस आर सी, ठीक है। सो आर सी प्लस C2 इज इक्वल टू R2 होगा, तो C2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस आर सी, तो Z2 क्या आ जाएगा, M2 इंटू R2 माइनस आर सी। Z3 क्या हो जाएगा, M3 इंटू आर थ्री माइनस आर सी, ये आपका हो गया जीरो। तो देखिए अब इसको बस आप अगर ओपन करेंगे तो आप देखिए बाकी आरसी को एक तरफ कर लेंगे तो आपका यहां से दिख रहा होगा कि आरसी क्या आएगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, यही हमारी पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की। अब देखिए ये वेक्टर फॉर्म में है, अब वेक्टर फॉर्म में आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपको मिल जाएगा कि एक्स सी जो होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो आपका हो जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। वैसे वाई सी क्या हो जाएगा और जेड सी भी आप निकाल सकते हैं सेम, ठीक है, वाई सी हो जाएगा एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और जेड सी हो जाएगा एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस एम थ्री जेड थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, राइट। तो ये आपकी हो जाती है कोऑर्डिनेट्स, या फिर आप बोल सकते हैं लोकेशन, ठीक है, लोकेशन हमारी उसकी आ जाती है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए, अगर हमारे सिस्टम में एन पार्टिकल है, अगर हमारे सिस्टम में देखिए एन पार्टिकल है, इफ एन पार्टिकल्स आ जाए इन आर सिस्टम, ठीक है, अगर एन पार्टिकल है तो सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि आर सी क्या हो जाएगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम एन आर एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, और फिर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए आप सेपरेटली लिख के भी निकाल सकते हैं, राइट।
इस पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन देखें, एक फिगर दिया गया है, ठीक है, उस फिगर में फोर पार्टिकल्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ फोर पार्टिकल सिस्टम शोन इन फिगर, शोन इन फिगर। वाई दिया गया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया गया मीटर्स में, और ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया मीटर्स में। वाई कोऑर्डिनेट भी मीटर्स में है और एक्स कोऑर्डिनेट भी मीटर्स में है। पार्टिकल वन आपका रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में दो के लिए, पार्टिकल वन आपका यहां रखा है एम वन टू के जी, पार्टिकल टू आपका रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम टू, एम टू एम टू फोर के जी है और एम थ्री फाइव के जी है, एम टू ये फोर के जी है, एम थ्री फाइव के जी इधर रखता है, ये एम थ्री है। और ये आपका एम फोर रखता है। इसका मुझे सेंटर ऑफ मास बताना, ठीक है, तो देखिए जिसको पता है आरसी क्या होता है, व्हाट इज आरसी, आरसी इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, यहाँ चार पार्टिकल है तो एम फोर आर फोर प्लस एम फाइव प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस एम फोर आर फोर, एम थ्री आर थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, ठीक है। अब देखिए इसमें आप वैल्यूज अगर पुट करें तो देखिए R1 आप यहां से लिख सकते हैं, ये आपका R1 होगा, ठीक है, R1 आप सिंपली लिख सकते हैं, क्या होगा R1 क्या हो जाएगा, ठीक है, थ्री एंड यहां पर कितना है, यहां पर भी थ्री, तो थ्री आई क्या प्लस थ्री जे क्या, थ्री आई क्या प्लस थ्री जे क्या हो गया, ठीक है, ये आपका सॉरी M2 है, ये R2 हो, सॉरी R1 आपका ये होगा, ये M1 है तो ये R1 हो जाएगा, ठीक है, R1 आपका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा माइनस वन है Y में और फोर है थ्री है X में, तो थ्री आई क्या माइनस फोर जे माइनस जे क्या, थ्री आई क्या माइनस वन है तो माइनस जे क्या हो गया, ठीक है, फिर R3 देखिए, R3 आपका क्या हो जाएगा, R3 आपका हो जाएगा 4 इधर भी है 4 इधर माइनस फोर है तो माइनस फोर आई क्या प्लस फोर जे कैप, ठीक है, माइनस फोर आई क्या प्लस फोर
जे कैप। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आर फोर। आर फोर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप, ठीक है, माइनस थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, ठीक है। तो या तो सबको एक साथ में भी कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप एक्स अलग एक्स सी अलग निकालिए और वाई सी अलग निकालिए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एम वन एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन साइन के साथ रखेंगे, राइट, क्योंकि जो एक्स की साइन होगा वही डायरेक्शन डिसाइड करता है मास मूवमेंट का, ठीक है। तो जब भी आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप साइन का जरूर याद रखिएगा, यहां तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना हो कहीं और आप कर रहे हैं तो फिर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होता है, राइट। तो अब फिलहाल मैं अभी डायरेक्ट मेथड से अगर करूंगा इसको तो देखिए एम वन क्या है, एम वन है टू और आर वन क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स आई कैप माइनस टू जे कैप, ठीक है, तो सिक्स आई माइनस टू जे प्लस एम टू आर टू, एम टू आर टू तो फोर इंटू थ्री, ठीक है, ट्वेल्व आई प्लस ट्वेल्व जे, ठीक है, एम थ्री फाइव फोर, ठीक है, तो माइनस ट्वेंटी आई प्लस ट्वेंटी जे प्लस ट्वेंटी जे, ठीक है, और एम फोर आर फोर देखिए तो माइनस थ्री आई माइनस टू जे हो जाएगा, माइनस थ्री आई माइनस टू जे अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, आई क्या देखिए सिक्स ट्वेल्व, सिक्स ट्वेल्व एटीन, एटीन आई क्या माइनस ट्वेंटी तो माइनस टू आई क्या हो गया, माइनस टू एंड माइनस थ्री, माइनस टू एंड माइनस थ्री ये आपका हो गया माइनस फाइव आई क्या, माइनस फाइव आई क्या, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर सी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो माइनस फाइव आई क्या छह अठारह बारह से अठारह माइनस ट्वेंटी माइनस दो हो गया, माइनस दो माइनस थ्री माइनस फाइव, ठीक है। अब जे वाला देखें माइनस टू जे प्लस ट्वेल्व जे तो प्लस टेन जे, ठीक है, प्लस टेन जे प्लस टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस थर्टी माइनस टू माइनस ट्वेंटी एट जे अपॉन ट्वेल्व, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स सी आपको यहीं से मिल जाएगा माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, माइनस फाइव बाई ट्वेल्व मीटर हो गया एक्स सी, और वाई सी आपका क्या हो गया, वाई सी आपका हो गया माइनस ट्वेंटी एट बाई ट्वेल्व, तो मतलब ये दोनों माइनस है, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में लाया करेगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, सेवन को चार से डिवाइड करिए सेवन बाई थ्री मीटर, माइनस सेवन बाई थ्री मीटर, अब देखिए आपको जो ये सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड जो इस टाइप के लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे या आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं मेजर तरीके से। एक हो गया आपका, एक तो होता है आपका क्या होता है कि आपके पास जो सिस्टम होगा वो दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं उस सिस्टम को, एक तो होता है डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है, डिस्क्रीट, और एक होता है कॉन्टिन्यूस सिस्टम। क्या है डिस्क्रीट और क्या है कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होगा,
डिस्क्रीट सिस्टम में पार्टिकल्स जो हैं, कई सारे पॉइंट पार्टिकल्स होंगे और एक दूसरे से दूर दूर, राइट। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया, अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया, इसमें हर एक पार्टिकल जैसा था पॉइंट मास था, ठीक है। वो पॉइंट मास क्या थे, काफी दूर दूर रखे हुए थे। तो ये डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो अब तो डिस्क्रीट सिस्टम आपका जो हो गया, इसमें क्या होंगे, कई सारे पॉइंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सपोज एन पार्टिकल का एक सिस्टम है, ठीक है, और हर पार्टिकल का मास है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारी जो अप्रोच होती है वो सिंपल होती है कि इनके मूवमेंट्स को ऐड करना है ना, कैसे, एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एडिशन मतलब साइन के साथ आप, ठीक है। तो आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, आप उसके लिए क्या नोटेशन लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वन टू एन सिग्मा एम आई आर आई, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एडिशन होता है, ठीक है। जब अभी जैसे लास्ट में हमने किया अपॉन सिग्मा एम आई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मासेस जो है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये पेन देखें तो इस ये पेन इनफाइनाइट पार्टिकल से बनकर बना है ना, इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे आपको कितने पॉइंट मासेस मिल जाएंगे, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इनफाइनाइट। और इसमें जो है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि सारे पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, कोई दूर दूर नहीं है। तो ये होते हैं, इस टाइप के सिस्टम को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस सिस्टम, जिसमें मास जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं कि एक यहां रखता है, दूसरा वहां, तीसरा वहां, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, तो आपको जैसे जनरली किसी बॉडी का निकालने को मिलेगा, तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी है ना, आई मीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज जो भी आपको निकालनी पड़ेंगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडीज, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड बॉडीज जो होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली वो सॉलिड बॉडीज को हम बेसिकली डील कर सकते हैं एज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस केस में देखिए, जो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, जो हमारा मास मूवमेंट वाला, जो मास मूवमेंट होता है, मास मूवमेंट आपका क्या होता है, मास मूवमेंट जो प्रॉपर्टी ऑफ मास मूवमेंट हमने देखी थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये एम आर होता है, जहां पर एम क्या है, पॉइंट मास, ठीक है। लेकिन ये बॉडी को आप पॉइंट मास तो ले नहीं सकते, राइट। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसके एक बहुत से छोटे पार्ट को तो हम पॉइंट मास ले ही सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एलिमेंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एक जैसे मान लीजिए अगर इसको हमने इसका एक एलिमेंट काटा, उस एलिमेंट के मास को हम पॉइंट मास मान ही सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पार्ट्स या इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है कि बॉडीज में एलिमेंट देखना होता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो उस एलिमेंट का मास जो होगा, उस मास को हम क्या नाम देंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम होगा, पूरी बॉडी के मास को देखते हुए वो मास बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो उस मास के लिए हम टर्म यूज करते हैं डीएम, क्योंकि मैंने बताया है डी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डीएम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर जो m है, अब हमारे पास dm होगा, ठीक है, जो एलिमेंट काटेंगे। अच्छा, उसको क्या करेंगे, उसका मूवमेंट लेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट, जो भी पॉइंट हो, ठीक है, जिसके रेफरेंस में, जैसे यहां पे आ रही क्या था, ओरिजिन से लिया था, वैसे ही यहां पर कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और वहां से उस एलिमेंट की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है, dm into r, ठीक है। अभी हम करेंगे इसके जस्ट बाद डीएम इंटू आर करेंगे, यहां पर जो सिग्मा है यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा बस, और नीचे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बेसिकली क्या है कि जब भी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे मास का, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैलकुलस मैथड, ठीक है, कैलकुलस मैथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम
इसको सॉलिड बॉडीज या बेसिकली आप रिजिड बॉडी लिखिए, ठीक है, रिजिड बॉडीज या सॉलिड बॉडीज उसके। तो सपोज हमारे पास अभी पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड फिर से भाई कि अगर मैंने अभी जो डस्टर देखा था, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड भी हो सकता है। रॉड का क्या है, बस ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ये गोल हो जाएगा तो रॉड है। अगर ये क्रॉस सेक्शन मान लीजिए गोल ना हो, कैसा है, इस तरीके का है, ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम बोल देते हैं बार, ठीक है, स्क्वायर शेप में है या फिर रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसको बार बोल देते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रॉड और बार, आयरन रॉड आयरन बार, मेटल रॉड मेटल बार, इसलिए बोल रहा हूं सो दैट आपको लगे रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो सपोज ये आपका बार हो गया क्योंकि हमने इस तरीके से बनाया है, ठीक है, आई मीन खैर ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बार होगा कि क्या होगा, क्योंकि देखिए आप अगर मान लीजिए आप इसका आप इसको अगर ये क्या हम बना रहे हैं, क्या हम बना रहे हैं सामने से जो हमको दिखता है प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, टॉर्च मारेंगे तो ये क्या होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन गोल किया तब भी ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म रॉड या बार जो भी आप मान लो ये होगा, ठीक है। अब इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, मास देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अगर इसका इसका टोटल मास मान लीजिए आपको दिया गया है, टोटल मास आपको दिया गया है कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम है, ठीक है, तो और इसकी लेंथ मान लेते हैं क्या है, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल, ठीक है। अगर मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रॉड, कि इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके कई सारे टुकड़े कर दूं, इस रॉड के कई सारे टुकड़े कर दूं और सबकी लेंथ अगर सेम रखूं, सबकी लेंथ फिलहाल मैं सेम रखूं, ठीक है, सबकी लेंथ अगर मैं सेम रखूं तो हर एक टुकड़े का मास जो होगा वो कितना होगा, सेम आएगा। तो ऐसा ही कोई एक टुकड़ा मैं सपोज यहां पर ले ले रहा हूं, इसका मास मान लेते हैं क्या dm। अब ये जो आप एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट किस तरीके से लेना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे रॉड में अभी हमने क्या माना है, रॉड में माना है कि थ्रू आउट इसके लेंथ के थ्रू, ठीक है, इसको भी अभी आई मीन हर बॉडी के लिए इसको हमको क्या dm लेना है ये भी हमको समझना जरूरी होता है। तो अभी जैसे फिलहाल मैंने अलोंग द लेंथ मैंने कई सारे इसके टुकड़े कर, जब भी आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो मतलब आप क्या कंसिडर कर रहे हैं कि अगर आपको इसे काटना है इस रॉड को तो आप कैसे काटोगे, आप कई सारे इसके टुकड़े कर दो, लेकिन इस तरीके से आपको टुकड़े करने हैं कि हर एक टुकड़े का साइज, हर एक टुकड़े का मास सेम आना चाहिए, और अगर उन सारे टुकड़ों को जोड़ दें बाद में तो वापस ये बन जाए। इस तरीके से टुकड़े करते हैं कि हर एक टुकड़े का मास सेम आना चाहिए और सारे टुकड़े को आपस में अगर मैं जोड़ दूं तो वापस ये मुझको पेन या रॉड मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल देखिए अगर मैं इस रॉड को टुकड़े ऐसे कर दूं कई सारे, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज माय डीएम, वन ऑफ द एलिमेंट, इसी में से मैंने समझ लिया, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड चीज आती है, सेकेंड आता है रेफरेंस पॉइंट क्या लोगे, मतलब जैसे ओरिजिन वहां पर लिया था और समझा था, अब यहां पर अगर हमको आरसी निकालना है, आरसी क्या पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो उस आरसी क्या था, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाला था पीछे अभी देखा था, यहां पर वही रेफरेंस पॉइंट वही ओरिजिन हम किसको माने, तो किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, तो बेटर है आप यहां पर भी मान सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो डिपेंड कर देगा आपके पोजिशन को। तो वन ऑफ द एंड को मैंने क्या मान लिया, ये मेरा इस, ठीक है, अलोंग द लेंथ मास मैं देख रहा हूं,
अलोंग द लेंथ मैं एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, तो अलोंग द लेंथ जब मैं एलिमेंट ले रहा हूं तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा, ये मेरी जो है वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहां पे हमारा ओरिजिन है, यहीं से मैं ले रहा हूं, ठीक है, दूरी। तो सपोज करिए कि आपने एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काटा है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे अगर एक एलिमेंट काटा है जिसका मास डीएम है, तो अच्छा ये बताइए कि पहले इसकी लेंथ ये वाली, ठीक है, इस तरफ लेंथ ही तो है ना, तो देखिए ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस आपने एलिमेंट काटा है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डीएक्स, और इसका मास जो है हमारा क्या है, डीएम, लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो गई डीएक्स, ठीक है। अब देखिए हमारा जो आरसी आएगा, आरसी क्या होगा, आरसी बेसिकली अब क्या होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट उसका देखना है, क्योंकि वाई तो जीरो होगा, क्योंकि हमने ओरिजिन ही यहां मान लिया है, वाई जीरो होगा, ओरिजिन हमने ऐसी जगह माना है कि वाई जीरो हो जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलावा हमें देखना है कितना दूर है, तो मैं आरसी ना लिख के अब सिर्फ एक्स ही निकालूंगा, और एक्स ही हमारा क्या हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम और इंटीग्रेशन, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा, डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम इंटू उसका इंटीग्रेशन। अब देखिए डीएम होगा क्या, डीएम क्या है, मास ऑफ द लेंथ, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म बॉडी है, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म बॉडी, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है, देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मास पर यूनिट लेंथ मतलब हर एक यूनिट लेंथ का अगर मैं मास देखूं, हर एक यूनिट लेंथ का मतलब हर एक, सपोज अगर मीटर में हम देख रहे हैं तो हर एक मीटर का मास क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब जब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा लैम्डा से, जिसको मैं रिप्रेजेंट क्या करूंगा लैम्डा से, लीनियर मास डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर डीएम इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, राइट, तो लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी इंटू डीएक्स, बेसिकली देखिए यहां से लैम्डा आएगा क्या, मास आपको दिया गया था कैपिटल एम और इसकी लेंथ थी एल, तो लैम्डा आपका है क्या, लैम्डा आपका है कैपिटल एम अपॉन एल, मास ऑफ द रॉड अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, तो ये वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे, फिलहाल अभी सॉल्यूशन अगर देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू सॉरी लैम्डा एक्स डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएक्स, ठीक है, ऊपर एक्स पहले से था वो आ गया, ठीक है, अब लैम्डा तो है कांस्टेंट, लैम्डा तो है कांस्टेंट, राइट, तो ये बाहर आ जाएगा, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है, अब यूनिफॉर्म बॉडी अगर ना होती तो लैम्डा वेरी करता, और लैम्डा कैसे वेरी करता, एक्स एक्स लैम्डा का वेरिएशन एक्स के अकॉर्डिंग होता, फिर वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि लैम्डा वेरी कर रहा है एक्स के अकॉर्डिंग नॉन यूनिफॉर्म बॉडी अगर है, तो फिर उसमें जो आपकी लीनियर मास डेंसिटी होगी उसका वेरिएशन दिया जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, तो लैम्डा इंटू एक्स डीएक्स अपॉन लैम्डा डीएक्स हो जाएगा, ये लैम्डा लैम्डा बाहर आ जाएगा और ऊपर नीचे दोनों में बढ़ जाएगा, तो आपका आएगा एक्स डीएक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स।
अब देखिए आपको लिमिट्स भी पुट करनी होगी, नहीं तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा। आपको चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फिर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो इसलिए लिमिट्स हमको पुट करनी है। तो किस पे लिमिट पुट करनी है? एक्स पे लिमिट पुट करनी है। एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? हमको थ्रू पूरी रॉड का जोड़ना है ना, हमको पूरी रॉड के लिए निकालना है ना सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास किसका है? पूरी रॉड का है। तो हमको लिमिट्स ऐसे पुट करनी है कि पूरी रॉड हमारी जो है पूरी रॉड के लिए हमारा इंटीग्रेशन हो जाए दोनों वैल्यूज का, पूरी रॉड के लिए हमारा इंटीग्रेशन हो जाए दोनों वैल्यूज का। इस तरीके से लिमिट पुट करनी है। तो एक्स पे पुट करनी है। तो देखिए एक्स का एक्स आपने कहां से लिया है? यहां से लिया है, यहां से यहां तक का एक्स dx, यहां से इस एलिमेंट की पोजीशन एक्स है। अब पूरी रॉड आपको इंक्लूड करनी है, तो रॉड ऐसे रॉड पे कई सारे एलिमेंट होंगे, सबको इंक्लूड करना है। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो ये देखिए जीरो टू एल एक्स डी एक्स अपॉन जीरो टू एल, ठीक है, यहीं पे लिमिट पुट कर दो जीरो टू एल, जीरो टू एल, ठीक है। आपका देखिए आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाई टू होगा तो एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एल ये एक्स आएगा तो वो एल हो जाएगा, तो ये आपका आता है एल बाई टू। तो देखिए एक्स सी क्या आ गया, एक्स सी आपका आ गया एक्स सी, ठीक है, वाई सी तो जीरो ही है, तो एक्स सी आपका क्या आ गया एल अपॉन। इस पूरे क्वेश्चन में ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को हमने नेग्लिजिबल ले लिया, क्योंकि अलोंग द लेंथ इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि हमने मान लिया है कि अलोंग द लेंथ ही मास डिस्ट्रीब्यूशन है। थिकनेस इतनी कम है, इतनी कम है लेंथ को देखते हुए कि इसलिए हमने थिकनेस को नेग्लिजिबल ले लिया है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस एलिमेंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा, ठीक है। तो थिकनेस को हमने बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो अब देखिए एक्स सी एल वाई टू आने का मतलब क्या है, आपने आपका रेफरेंस पॉइंट दिया था ये ओरिजिन, तो यहां से एल वाई टू डिस्टेंस पे, यहां से एल वाई टू डिस्टेंस पे आपका क्या है सेंटर ऑफ मास। यही देखो हमारे डस्टर्ब में बैलेंसिंग पॉइंट भी आया था, ठीक है। तो जब भी यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी उसका जो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, देखिए ज्योमेट्रिकल सेंटर यही होगा ना एल बाई टू पे, क्योंकि टोटल लेंथ एल है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा वही क्या आ जाता है आपका, वही आपका सेंटर ऑफ मास भी हो जाता है, राइट। तो अब इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।